फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जी के जी एस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए SD पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज 9th लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पर्सनली प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार SI कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, 2021 के घटना चक्र, बिहार SI एंड बिहार ESI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फॉर PDF एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ग्रासलैंड कहते किसे हैं। तो यह ऐसे विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं जहाँ दूर दूर तक घास और छोटे झाड़ वाले पौधे पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी स्थलीय। नेक्स्ट है कि ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था। ऑप्शन बी, मटर पर। क्योंकि जब ग्रेगर मेंडल ने पौधों पर, मटर के पौधों पर संकरण किया, तो उसके तहत उसकी आधार पर उन्होंने प्रभावित का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम प्रतिपादित किया था। ग्रेगर मेंडल इज ऑल्सो नोन एज फादर्स ऑफ जेनेटिक, यानी ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हृदय यानी हार्ट की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण से होती है। तो हार्ट में जो मरमरिंग की बीमारी होती है ना, वो हृदय की जो वाल्व होती है, वाल्व में समस्या उत्पन्न अगर हो जाती है तो हार्ट मरमर करने लगता है। अब देखेंगे कि हृदय के वाल्व में समस्या किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो जैसे वाल्व का छोटा यानी संकुचित हो जाना, वाल्व में लीक होना, किसी प्रकार का छेद होना, तो इसी प्रकार से हार्ट मरमरिंग करने लगता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है लगभग। ऑप्शन बी 1.36 kg। नेक्स्ट, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। ऑप्शन सी लिम्फोसाइट। क्या नाम है इसका? लिम्फोसाइट नाम है। लिम्फोसाइट कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होती है। लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है कि थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है। तो नमक में आयोडीन दो तरह रूप में मिलाया जाता है, पोटासियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड के रूप में। तो यहाँ पर पोटासियम आयोडाइड ऑप्शन में है बट सोडियम आयोडाइड नहीं है, तो आप दोनों नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। ऑप्शन बी मेडुला ऑब्लोंगेटा से। अगर मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करते हैं तो हृदय स्पंदन की दर, श्वसन दर, भोजन निगरण वमन, स्वाद इट्सेट्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कि मीसोडर्म यानी मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्रगुहा। नेक्स्ट, समुद्री शैवाल पद का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी समुद्र में बहुकोशिक शैवाल उत्पादन के जरिए। अगर समुद्री शैवाल के कुछ एग्जाम्पल आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे लेमिनेरिया, सारगाशम, ये सब समुद्री शैवाल हैं। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के पौधों में शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। ऑप्शन बी वृक्ष में, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसमें। नेक्स्ट है कि परमाणु का संगठन करने वाले तीन मौलिक कण कौन से हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता की बात करें तो इसकी खोज, इसका डिस्कवर जे.जे. थॉम्सन ने किया था। प्रोटॉन रदरफोर्ड तथा न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। नेक्स्ट है कि कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी रेसा कांच यानी फाइबर ग्लास का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है। ऑप्शन ए अमोनिया। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है।
ऑप्शन ए पेट्रोल का। अगर इग्निशन टेम्परेचर की बात करें ना तो पेट्रोल का यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे कम है। और इग्निशन टेम्परेचर किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ को जलाने हेतु आवश्यक मिनिमम टेम्परेचर जो होती है ना उसी को ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल यानी हेवी वाटर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो अगर हेवी वाटर के केमिकल फार्मूला की बात करें तो ये पहले भी मैं बतला चुकी हूँ और यहाँ पर भी रिपीट कर रही हूँ कि इसका केमिकल फार्मूला H2O ना होकर D2O होता है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है यानी एज ए मॉडरेटर, मॉडरेटर यानी नियामक के रूप में। नेक्स्ट है कि एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, ऑप्शन बी निम्न दाब और उच्च ताप यानी लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर के रूप में। नेक्स्ट, सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में होता है, तो अगर उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो इसका प्रयोग पक्षदर्शी दर्पण के तौर पर किया जाता है। जनरली पीछे की वस्तुओं जैसे मोटर वाहन में जो मिरर का यूज होता है वह यही है उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर। अगर इसके इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये स्मॉलर इन साइज रियल एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड करता है। नेक्स्ट है कि बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो देखिए फ्रेंड बोलोमीटर की अगर बात करें तो जनरली ऊष्मीय विकिरण का मापक है बोलोमीटर और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऊष्मीय विकिरण की अगर बात करें तो वह तापमान से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी यानी टेम्परेचर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो कहा जाता है कि उसकी गति, ऑप्शन सी असमान है। नेक्स्ट, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक कम हो। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है ना, यह बात यहाँ पर उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सही कहा गया है क्योंकि आर्टिकल 66(2) में वर्णित है कि वाइस प्रेसिडेंट संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। इसके अलावा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है बट वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है, ऑप्शन डी 6 साल या 65 साल, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 6 साल या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले पूरा हो जाए वही होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो उनके अधिकार वेतन भत्ते आदि समान होते हैं और उन्हें वही वेतन मिलता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं, ऑप्शन डी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों से मिलकर ही पार्लियामेंट का गठन होता है। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार बना कौन रहा था, ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फ्रॉम 1952 to 1962, ये लगातार 2 बार वर्क्स एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है, तो USA, पाकिस्तान और इंडिया का तो लिखित संविधान है बट UK, यूनाइटेड किंगडम का अलिखित संविधान है। नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता यानी IPC की कौन सी धारा समलैंगिक लंपेट जिसे गे कहते हैं, उभय लैंगिक और परालैंगिक समुदाय से संबंधित है, ऑप्शन ए 377। नेक्स्ट, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण निवेशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग में ही निहित है, तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और लोक उपक्रम समिति, ये तीनों ही संसद की वित्तीय समितियां हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह सरकार के बजट निर्माण, खर्चे और कार्य निष्पादन की गहन छानबीन करने का काम करती है ये तीनों समितियां। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मोरारजी देसाई सरकार के शासनकाल के दौरान 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, चूंकि यह पहले संपत्ति का जो अधिकार था वो मौलिक अधिकार था बट इसे यहाँ पर से हटा दिया गया।
नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। नेक्स्ट, नंदा देवी जो पर्वत है वो किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, उत्तराखंड में। यह बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी पर्वत चोटी। नेक्स्ट, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जनरली गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान के क्षेत्रों में पाई जाती है, इसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ? ऑप्शन डी सेनोजोइक युग में। शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय भी कहते हैं, तो शिवालिक श्रेणी यानी बाह्य हिमालय का निर्माण कौन से युग में हुआ था? सेनोजोइक युग में। नेक्स्ट है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है? ऑप्शन ए स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। देखिए अब भारतीय मानसून की अगर बात करते हैं तो इतना क्यों इसमें डिफरेंस है भारतीय मानसून में, क्योंकि इसकी दिशा 6 महीने तक यानी ठंडे की ऋतु में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक होती है, जबकि अगला 6 महीना ग्रीष्म ऋतु में इसकी दिशा परिवर्तित होकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है? ऑप्शन डी गेहूँ के उत्पादन में, चूँकि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति चलाई गई 1966 से 67 के दौरान, तो उसमें सबसे जो बेस्ट क्वालिटी अगर उभर कर आया है तो वो गेहूं का ही उभर कर आया है। गेहूं यहाँ पर पहला पोजीशन पर है। नेक्स्ट है कि भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता को निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। अब पढ़िए इसे, और 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा यानी स्पीड पोस्ट का आरंभ कब किया था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1986 में। नेक्स्ट, संसार की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? ऑप्शन सी पामीर के पठार को। नेक्स्ट, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? ऑप्शन बी 35 PPT। अब देखिए हिंद महासागर में 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35.14% लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह लवणता घटकर 30% हो जाती है। वहीं अरब सागर में परसेंटेज में 36% लवणता है, और पीपीटी की अगर बात करें तो 35 PPT के अप्रॉक्स। नेक्स्ट है कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, चीन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल भाषा एक प्रमुख है? तो ऑप्शन डी सिंगापुर में जनरली जो वहाँ की मलय जो राष्ट्रीय भाषा है, मलय के अलावा तमिल, अंग्रेजी, चाइनीज और मैंडरिन लैंग्वेज भी आमतौर पर बोली जाती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन सी वर्षा स्त्री। अगर वर्षा स्त्री बादल की बात करें ना, तो ये धरातल के काफ़ी अधिक नज़दीक होता है, इसकी सघनता के कारण अंधकार जैसा छा जाता है जिसकी वजह से खूब वर्षा होती है। नेक्स्ट है कि प्रति व्यक्ति आय इक्वल क्या होता है? ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति अगर आय निकालना है पर कैपिटा इनकम, तो राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाई कुल जनसंख्या। नेक्स्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था? ऑप्शन ए कृषि को। नेक्स्ट, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में, पहले योजना आयोग के नाम से विख्यात था, और इसका अगर अध्यक्ष की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है कि देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है, आप यहां पर पहला ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, भारत के निवल देशीय उत्पाद का अंश। नेक्स्ट, भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, और वित्त आयोग का गठन प्रति 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉ
डॉक्टर वाई बी रेड्डी और प्रेजेंट टाइम में जो 15वें वित्त आयोग के तौर पर कार्यरत हैं उनका नाम है एनके सिंह। नेक्स्ट है कि विजय केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध है ऑप्शन डी करों से। नेक्स्ट है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है यह किसका सिद्धांत है ऑप्शन ए ग्रेशक का। नेक्स्ट राजकोषीय घाटा है ऑप्शन ए कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है तो ऑप्शन सी बोगाच कोई अभिलेख जिसे एशिया माइनर भी कहते हैं। ये 1400 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है। इसमें ऋग वैदिक काल के देवता मित्र इंद्र वरुण तथा नाशत्य कुमार का नाम वर्णित है। नेक्स्ट है कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण की अगर बात करें तो जैसे चारों वेदों का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ था अलग अलग, तो शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था ऑप्शन ए अंग मगध को। नेक्स्ट गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऑप्शन बी ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट 57 है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था ऑप्शन ए इज करेक्ट रेड कलर का। नेक्स्ट किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी संभालता है तो उस टाइम पर कुछ मतलब कि खालिसा भूमि जनरेट करता है, इसके अकॉर्डिंग उन सभी व्यक्तियों से भूमि उसने छीन ली जिन्हें वह मिल्क और वफ के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि का जो शुरुआत हुआ विकास हुआ वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट है कि विजयनगर राज्य की स्थापना की थी ऑप्शन सी हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था, अगर प्रारंभ की बात करते हैं जिसने नींव डाला था तो वो हुमायूं था। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था ऑप्शन ए अकबर। चूंकि देखिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के टाइम जो इंग्लैंड की रानी थी वो एलिजाबेथ प्रथम थी और उस टाइम भारत का राजा अकबर था। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था ऑप्शन डी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1327 ईस्वी में देवगिरी को दौलताबाद नाम दिया गया। इससे पहले दौलताबाद का नाम क्या था तो देवगिरी था। नेक्स्ट है कि भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चूंकि रॉबर्ट क्लाइव की अगर बात करते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरा शासन लगाया था यानी द्वैत शासन प्रणाली लागू की थी 1765 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अगर बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में ही इसे रखा गया है। चार्ल्स मेटकॉफ की अगर बात करते हैं तो चार्ल्स मेटकॉफ प्रेस पर से प्रतिबंध हटाने के लिए विख्यात हैं, इसी वजह से चार्ल्स मेटकॉफ तो को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन करता है। नेक्स्ट यहां पर भी 65 आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं और इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा यानी लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करें तो उसने डॉक्ट्राइन ऑफ लक्स यानी व्यक्तिगत का सिद्धांत अपनाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथा के निषेध के लिए फेमस थे। लॉर्ड रिपन की अगर बात करें तो स्वायत्त शासन के लिए और लॉर्ड कर्जन तो बंगाल के विभाजन के लिए। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में तो प्लीज विजिट माई प्रीवियस सेट। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। देखिए 1901 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था और 1901 का शासनकाल किसका था उस समय कौन था तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। नेक्स्ट है कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलिए नेक्स्ट है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की
ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। जब लॉर्ड मिंटो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अपने नाम पे लाता है तो उसके अकॉर्डिंग उसने मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा की थी। वो मुसलमानों के हित के बारे में नहीं सोचना चाह रहा था, वह चाह रहा था कि हिंदू मुस्लिम जो एकता थी भारतीय लोगों की उसमें फूट डाले ताकि मुस्लिम कहीं ना कहीं हमारे फेवर में आ जाएं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में लागू हुआ था। डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट लॉर्ड डलहौजी के तहत ही किया गया था। इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में नहीं बल्कि लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1878 ईस्वी में लागू किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। इसके तहत अगर कोई भारतीय प्रेस ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कुछ लिखती थी तो उस प्रेस को जबरन जब्त कर लिया जाता था तथा दंडित भी किया जाता था, लिखने का परमिशन नहीं था। नेक्स्ट है कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया। ऑप्शन सी लॉर्ड कार्नवालिस ने 22 मार्च 1793 ईस्वी में। इस्तमरारी बंदोबस्त को ही जागीरदारी बंदोबस्त, मालगुजारी बंदोबस्त, यानी सिंपल सा लैंग्वेज में जो आप पहले से पढ़ते आए हैं अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। इसका अलग अलग नाम है तो आप नाम नोट कर सकते हैं, चूँकि आप देख लीजिए यहाँ पर अस्थाई बंदोबस्त ना देकर इस्तमरारी दे दिया तो सब एक ही चीज़ है। तो चलिए यहाँ पर से आप करंट अफेयर है तो करंट अफेयर तो पुराना वाला है, आगे बढ़ते हैं। नाइन्टी वन से है कि मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां क्या कहलाती थीं। ऑप्शन डी रूप जीवा। नेक्स्ट मजहूर उल हक का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ऑप्शन सी तो उनका जन्म पटना के मनेर क्षेत्र के बाहपुरा गांव में 1866 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि मनेर स्थित किस सूफी संत के मकबरे को छोटी दरगाह भी कहा जाता है। ऑप्शन बी मखदुम शाह दौलत। नेक्स्ट मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए बौद्ध मठ। नेक्स्ट प्रसिद्ध विद्वान मंडन मिश्र की पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन बी भारती। नेक्स्ट बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बशाती नूल उंस एक मूल्यवान स्रोत है। ऑप्शन ए तिरहुत। नेक्स्ट मलिक इब्राहिम बयां का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन डी बिहार शरीफ में। नेक्स्ट जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जवाहर रोजगार योजना का नाम बदला गया था और नाम बदलकर ग्रामीण समृद्धि योजना रखा गया किस पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन सी नौवीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट बिहार का पहला हिंदी पत्र कौन है। तो बिहार से रिलेटेड जितने भी टॉपिक यहाँ पर क्वेश्चन राइट किए गए हैं तो आप इसे स्किप ना करेंगे क्योंकि बिहार से बिहार स्पेशल का अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो मेरे ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आते ही आते हैं हर बार बिहार एसआई के प्रीलिम्स में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट बिहार बंधु। नेक्स्ट 100 है कि कलम के सिपाही राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब और कहां हुआ था। ऑप्शन ए बिहार के मुजफ्फरपुर क्षेत्र में 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को। तो चलिए फ्रेंड आज का करंट अफेयर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी झारखंड को। नेक्स्ट प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। 15 मई को। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा स्थान पंजाब का नया 23वां जिला बना है। ऑप्शन डी मलेरकोटला। नेक्स्ट हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख कौन हैं। ऑप्शन बी मार्टिन ग्रिफिथ्स। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। ऑप्शन ए अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट है कि मई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की। ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। नेक्स्ट हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है।
ऑप्शन सी सकंतुला हरक सिंह ने। नेक्स्ट, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र के पुणे में। नेक्स्ट है कि हाल ही में शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन बी ताहेरा कुतुबुद्दीन। नेक्स्ट, हाल ही में डोस्ट फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन सी CBSE के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी बीजे वाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन बी असम। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 2nd of April। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत को स्थान मिला है? ऑप्शन बी इज करेक्ट 140वां। नेक्स्ट, किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का बड़ा तैरता हुआ और संयंत्र स्थापित किया जाएगा? सौर संयंत्र, तैरता हुआ सौर संयंत्र, ऑप्शन ए तेलंगाना में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीतकर दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, हाल ही में किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम G-SAP शुरू किया है? ऑप्शन ए RBI ने। नेक्स्ट, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? ऑप्शन ए चीनी, कपास तथा सूत। नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया है? ऑप्शन बी 31 मार्च को। नेक्स्ट, हाल में साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता के 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी रजनीकांत को। नेक्स्ट, हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन सी भारत। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन MoU के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की है? ऑप्शन सी भारत ने। और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? तो ऑप्शन ए सरन कुमार लिम्बाले को। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।